प्रदेश की जयराम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 5 कांग्रेस विधानसभा सदस्यों के निष्कासन के विरुद्ध जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रिकांगपियो में रैली निकालकर विरोध जताया। इस विरोध रैली में जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस ने भाग लिया। ये रैली PNB बैंक से होते हुए वापस रिकांगपियो चौक पर जनसभा में तब्दील हुई, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 5 सदस्यों के निष्कासन करने से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश सरकार ने जनहित के मुद्दों को दबाने के लिए माननीय सदस्यों को बलि का बकरा बनाया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। बावजूद इसके जयराम सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए सदस्यों के निष्कासन में लगी है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जिला किन्नौर से भी सैकड़ों लोग कूच करेंगे। जो कांग्रेस की रैली थी, ये पूरे हिमाचल के साथ जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर में भी इसका रैली का आयोजन जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता मिल करके किया। इसका उद्देश्य जो लोकतंत्र की हत्या करके जयराम की सरकार, जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो हमारे 5 माननीय सदस्यों को, MLAs को जो निष्कासित किया, एक ऐसा रचा उन लोगों ने कि उनको जो है तो बलि का बकरा बना करके लोकहित के मुद्दों को दबाने के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार की हाल खराब है, इसलिए जो 5 जिनको निष्कासित किया, उस सिलसिले में आज की ये रैली थी। और आने वाले समय में 10 तारीख को जो शिमला में और इससे बड़ा रैली करने जा रहे हैं हम लोग, पूरे हिमाचल के लोग वहाँ, सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। अगर जयराम की सरकार उनको दोबारा से विधानसभा में नहीं बुलाती है, तो उसके बाद और ये आंदोलन उग्र होगा जिला, पूरे हिमाचल के साथ जिला किन्नौर में। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए किन्नौर से अरुण नेगी।